दोस्तों आप टीचर हैं या स्टूडेंट हैं, इस वीडियो को अपने क्लास ग्रुप में जरूर शेयर कीजिएगा। अगर आपका सपना हिंदी में 100 में से 90 और 90 प्लस मार्क्स लाने का है तो व्याकरण में आपको 16 में से 16 पूरे नंबर लाने पड़ेंगे। कैसे आएंगे 16 में से 16? ट्रिक के माध्यम से प्रैक्टिस करेंगे। मात्र 10 मिनट में आप 16 प्रश्न सही करने वाले हैं। स्वागत है आप सभी का नई वीडियो में, मैं हूं आपके साथ आशीष सर। कर दो यार वीडियो को लाइक, शेयरिंग भी जरूर करें, और अगर आप चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। चलिए ग्रामर के प्रश्न, प्रश्न नंबर 3 से आपके पास आएंगे। पहला प्रश्न आपके पास होगा रचना के आधार पर वाक्य भेद। तो 5 प्रश्न होंगे, इनमें से आपको 4 ही करने हैं। ध्यान रखना, जो 4 आपको सही लगे वही आप 4 करें, 5ों के 5ों मत कर देना अगर आप इससे आपके मार्क्स कट सकते हैं। पहला सवाल है कि वह घर गया और पुस्तक ले आया, रचना के आधार पर वाक्य भेद क्या है? 4 ऑप्शन है, थोड़ा सा आप सोचिए, उसके बाद मैं आपको इसका आंसर बताऊंगा। तो कोशिश करें मुझसे पहले आप जवाब जरूर दें। तो आपको देखना है कि वाक्य भेद क्या है, और लगा है तो आप और लगता है आपका संयुक्त वाक्य में, इसका आंसर होगा आपका फर्स्ट, यानी कि संयुक्त वाक्य। आगे बढ़ते हैं और दूसरा सवाल है, निम्न में से संयुक्त वाक्य का चयन करो। तो अभी मैंने आपको ट्रिक बताया है संयुक्त वाक्यों को कैसे पहचानते हैं, तो जिसमें और लगा होगा, तथा लगा होगा, एवं लगा होगा, तो इस तरह से आपके संयुक्त वाक्य होंगे। सिंपल सा पहला ही देखो, पहले में लगा है और, ठीक है, और से, तथा से, एवं से, आप या से जो शब्द जुड़ते हैं, सेंटेंस जुड़ते हैं, वो आपके संयुक्त होते हैं। तो उसने खाना खाया और सो गया, है ना, तो ये आपका संयुक्त हो गया। आगे देखते हैं, तीसरा है, देर मत करो वरना गाड़ी छूट जाएगी। संयुक्त वाक्य को सरल में बदलना है आपको, तो सरल में बदलने के लिए आपको पर या ही ज़्यादातर आता है। तो देखिए प्रश्न आपका भविष्य काल में है, ये भी आपको ध्यान रखना है, भविष्य काल में छूट जाएगी। तो देखो छूट जाएगी किस में है, ये तो आपको हो नहीं सकता क्योंकि और है, तो ये होगा नहीं, इसलिए जुड़ गया है, ये भी होगा नहीं। अब आप देखोगे तो यहाँ पर आपको घाव वाला भी सही लग रहा है, लेकिन घाव वाला आपका वर्तमान काल में है, जाएगी भविष्य काल में, आपका घाव ऑप्शन सही है। ट्रिक मैंने आपको बताया है सरल बदलने के लिए, पर जोड़ दो या ही जोड़ दो, तो यहाँ पर क्या आया है, पर आया है, आपका सरल वाक्य बन गया। आगे देखते हैं, और अगर आप वीडियो अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक कर लो, जरूर करें। यहाँ पर आप देखोगे तो अगला जो है क्रिया विशेषण उपवाक्य का उदाहरण है, क्रिया विशेषण उपवाक्य का उदाहरण है। अगर आपको उपवाक्य समझने हो तो आप मुझे कमेंट करके बता दीजिए, मैं नेक्स्ट वीडियो आपके लिए सेपरेट उपवाक्य की पहचान करने की बताऊंगा, क्योंकि उपवाक्य एक नंबर में आपके पास आएगा ही आएगा और मैक्सिमम बच्चे इसे छोड़ देते हैं। तो क्रिया विशेषण का कौन सा एग्जाम्पल है देखो एक बार, क्रिया वाक्य का एग्जाम्पल है या ट्रिक है कि जहां, यहां पर जहां शब्द से जुड़ा हो, जहां शब्द से जो है आपका आश्रित वाक्य हो तो वो आपका क्रिया विशेषण उपवाक्य होता है। तो पहला ये, मैंने उस स्थान को देखा जहां पर भगत सिंह पैदा हुए थे। वैसे आप देख लो कि उपवाक्य किस में होता, इसमें क्या कहते हैं, मिश्र वाक्य में, है ना, मिश्रित वाक्य में। तो यहां पे ये वाला आपका मिश्र वाक्य है ही नहीं और ये वाला भी आपका मिश्र वाक्य है ही नहीं, तो ये दोनों तो आपके ऑप्शन में कट हो गए, है ना। अब आपके पास बचा पहला और तीसरा, तुम बीमार पड़ गए क्योंकि तुम कसरत नहीं करते थे, तुम बीमार पड़ गए, ये भी आपका मिश्र वाक्य नहीं है, तो मिश्र वाक्य आपका पहला ही है। वैसे भी आपको ट्रिक से पहचानना है। अब आपके पास यहाँ पर कॉलम आए, आपको पहचान करनी है कॉलम में, कॉलम ए में जो सेंटेंस है, इसमें बच्चे ना कंफ्यूज हो रहे हैं, एक बार ध्यान से समझो, कॉलम ए में सेंटेंस आपको दे रखे हैं और कॉलम बी में उसके आंसर हैं। सबसे पहले आप देखो कि हम लोग पुणे घूमने गए और वहां 4 दिन रहे, तो और जुड़ा है यहाँ पर, और किस में होता है, संयुक्त वाक्य में। तो देखो आप इस वाले का किस में करोगे, पहले का दूसरा, है ना, तो यहाँ पे लिख दो पहले का क्या है, दूसरा है। उसके बाद देखो माता जी ने शीला को 1 साड़ी दी, तो ये क्या है, ने जुड़ा है यहाँ पर, तो ये आपका सरल वाक्य बनेगा। तो दूसरे का क्या है, पहला, पहले का दूसरा, दूसरे का पहला,
तो तीसरे का तीसरा होगा। अब देखते हैं, पहले का दूसरा, दूसरे का पहला और तीसरे का तीसरा। तो आप यहाँ पर देख पाओगे कि यहाँ पर कुछ एरर है, ये दोनों ही ऑप्शन आपके सही हैं। पहले का दूसरा दोनों सेम है, देखो भाई, पहले का दूसरा, दूसरे का पहला और तीसरे का तीसरा। तो आपका घ और ग दोनों ऑप्शन सही है। अगला देखते हैं, अब आपके पास आगे वाच्य, तो वाच्य में भी पांच प्रश्न होंगे, करने चार ही है, ये ध्यान रखना, थोड़ा सा सोचने में लगाना लेकिन पांचों मत कर लेना। फिर से कॉलम ए कॉलम बी है। अब हम यहाँ पर भी सेम देखते हैं किस तरह से आपको पता करना है। तो पहले देखो, सलमा से गाना गाया जाता है। अच्छा, ग्रामर के जितने भी टॉपिक है ना, उनकी मैंने सेपरेट वीडियो बनाया है, अगर आपको किसी टॉपिक में डाउट हो या समझ ना आ रहा हो, क्योंकि 16 में से 16 नंबर आपको जरूर लाने हैं व्याकरण में। अब देखो, से आया है, तो से कहाँ होता भाई, या तो कर्म में होगा या भाव में होगा, लेकिन यहाँ पर जो गाना है वो कर्म वाक्य है, तो कर्म वाक्य कौन से में है, दूसरे में। पिताजी अखबार पढ़ते हैं, तो ये कौन सा हो गया आपका, कर्तृवाच्य होगा। अब शुभम से पढ़ा जाता है, तो यहाँ पर कर्म कुछ भी नहीं है, है ना। अगर पुस्तक पढ़ा जाता होता तो पुस्तक कर्म हो जाता, लेकिन यहाँ पर कर्म है ही नहीं, तो ये आपका हो गया भाव। फिर से देखो, पहले का दूसरा, दूसरे का पहला और तीसरे का तीसरा। अब देखते हैं किस ऑप्शन में सही होता है, पहले का दूसरा, दूसरे का पहला। ओ माय गॉड, यहाँ भी सेम है। आपको देखो, घ और ग दोनों सेम ही है भाई, तो इस तरह आपको कई बार प्रश्न मिल जाता है। तो यहाँ पे आप, अगर आपने घ टिक कर दिया तो भी सही आंसर मिलेगा, घ टिक कर दिया तो भी आपको पूरा मार्क्स मिलेगा, तो आपको ऐसे टाइप के क्वेश्चन में कन्फ्यूज नहीं होना है। अगला देखो, निम्नलिखित वाक्य में से कर्तृवाच्य वाले वाक्य छांटिए। कर्तृवाच्य वाले कौन से हैं, तो से और के द्वारा जहां पर होता है वो कर्तृवाच्य नहीं होता है। तो देखो, पहले में से है, तीसरे में भी से है, तो ये पहला और तीसरा तो होगा नहीं, क्योंकि इनमें से कोई नहीं इनको ऑप्शन देना था, तो ये भी नहीं है। आपका ऑप्शन जो है वो ख, सुभाष चंद्र ने, तो कर्तृवाच्य में क्या होता है, वैसे ने लगता है, आपका ख ऑप्शन करेक्ट है। आगे चलते हैं, निम्नलिखित में वाच्य, वाक्य का वाच्य बताइए कौन सा है। देखो, गांधी जी ने विश्व को शांति का संदेश दिया, तो मैंने अभी आपको बताया जहां पर ने होता है वो आपका कर्तृवाच्य होता है 100%। तो यहां पर आपका कर्तृवाच्य बिल्कुल आसानी से ट्रिक से पहचान लिया। अगला देखते हैं, मजदूर मकान बनाता है, है ना, तो इस वाक्य को कर्मवाच्य में आपको बदलना है। मजदूर मकान बनाता है, तो आपको से या के द्वारा जोड़ना है, है ना। तो देखो, ये वाला तो भैया है ही नहीं, क्योंकि इसमें ना से है ना के द्वारा है, है ना, और ये वाला भी है नहीं, तो आप ग और घा को डिलीट कर दिया। अब आपको सोचना है दो में, क और खा में, मजदूर मकान बनाता है, क्या लग रहा है आपको, थोड़ा सा चेक कीजिए। मजदूर द्वारा मकान बनाया जाता है या मजदूर से मकान बनता है, तो कर्मवाच्य में या भाववाच्य में खाया जाता है, पिया जाता है, हंसा जाता है, इस टाइप के आते हैं, तो आपका जो है वो क ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो चुका है। अगला देखते हैं, मैं या बोझ नहीं उठा सकता, इसको भाववाच्य में बदलना है आपको। तो यहाँ पर देख सकते हैं, बोझ मैं नहीं उठा सकता, तो यहाँ पर इन्होंने बदल दिया इसे, मैं को इधर कर दिया, बोझ को उधर कर दिया, तो आपका ये वाला तो हो नहीं सकता। दूसरा देखो, मुझसे यह बोझ नहीं उठाया जाता, मैं बोझ उठा सकता हूँ, तो यहाँ पर तो इन्होंने सेंटेंस ही बदल दिया, और मैं इनमें से कोई नहीं हो ही नहीं सकता, तो आपका ऑप्शन खास सही है, लेकिन यहाँ पर एक एरर है, प्रश्न में ही एरर है। यहाँ पर जो बोझ है ना वो कर्म है, मुझसे यह बोझ को नहीं उठाया जाता, तो ये वाला तो कर्मवाच्य है, इन्होंने ऐसे ही से भाववाच्य में बता दिया, लेकिन आपको ऑप्शन ख ही टिक करना है, सही आपका आंसर हो जाएगा। अगला देखो, पद परिचय। अब पद परिचय अक्सर मैंने देखा बच्चे छोड़ देते हैं, चार नंबर बहुत कीमती होते हैं, ट्रिक के माध्यम से समझने की कोशिश करेंगे, ज़्यादा टाइम आपको नहीं लगाना है इन प्रश्नों में, क्योंकि मैं आपको समझा रहा हूँ इसलिए टाइम लग रहा है, अदरवाइज जब आप समझ जाओगे जैसे मैं आपको समझा रहा हूँ, तो आप एक सवाल में 40 से 45 सेकेंड ही आप लगाओगे। देखें,
डिलीट वाला ऑप्शन देखते हैं। मजदूर फावड़े से, तो आपको क्या करना, फावड़े का पद परिचय करना है, जमीन खोदता है। अब आप देखो, सबसे पहले हम ये चेक करेंगे कि फावड़ा क्या नहीं है। तो फावड़े से एक फावड़ा है ना, अब आपको डिलीट वाला ऑप्शन यहाँ पर चूज करना, बहुवचन है नहीं तो डिलीट कर दो, राइट। उसके बाद देखो फावड़े से, तो फावड़ा क्या है आपका, स्त्रीलिंग भी डिलीट हो गया। अब तीनों में पुल्लिंग 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 है। अब आपको क्या करना, जो फावड़ा है ना वो वस्तुवाचक संज्ञा कोई होता ही नहीं है, ये डिलीट कर दिया। अन्यवाचक सर्वनाम भी है नहीं भैया, एक ही बचा है यार, सिंपल सी बात है ना। वैसे भी से लगा हुआ है तो आपको से करण कारक में होता है, जल्दी ही आप पता लगा सकते हो। अगला है, निम्नलिखित में से रेखांकित पद का रचना दसवीं में पड़ती है। अब यहाँ पर आपको करना है रचना का, रचना क्या है, एक लड़की का नाम है तो रचना पड़ती है। अब आपको चेक करना है कि इनमें कौन सा नहीं होगा। रचना चूंकि लड़की है तो जो भी पुल्लिंग वाले हैं उसे डिलीट कर दो। तो भैया ग वाला पुल्लिंग है, डिलीट कर दो। ये देखो ना पुल्लिंग लिखा हुआ, स्त्रीलिंग है। अब रचना काम को करने वाली है, रचना क्या है, सब्जेक्ट है, रचना सब्जेक्ट है। तो रचना भैया एक वचन है, सिंगल है, तो यार आप ये भी डिलीट कर दो क्योंकि इसमें बहुवचन लिखा हुआ है, एक ही लड़की है ना रचना। अब देखो रचना क्या है, सब्जेक्ट है, काम को करने वाली है। तो यहाँ पर देखो ये इन्होंने ऑब्जेक्ट बना दिया, हमारा ऑप्शन क सही है, कर्ता कारक है, राइट। तो सही नहीं आ रहा तो आपने गलत को डिलीट करके अपना आंसर निकाल लिया है। अगला देखते हैं, साम बहुत मधुर गाता है, साम एक लड़का है जो कि मीठा गाता है, तो जो मधुर है वो क्या है भाई, ज़्यादा नहीं सोचते हैं आपको मधुर क्या है, खट्टा पीठा, खट्टा मीठा, नमकीन, छोटा बड़ा, है ना, मोटा पतला, सारा क्या है विशेषण है, तो मधुर क्या है विशेषण है। आगे चलते हैं, उससे अच्छा गाया, उसने अच्छा गाया। अब अच्छा जो है ना फिर से सेम हो गया, अच्छा गाता है, बुरा गाता है ना, तो ये अच्छे बुरे क्या है विशेषण है, तो आपका ख ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो गया। आगे देखते हैं, कुछ लोग बहुत आलसी होते हैं, बहुत आलसी होते हैं। अब यहाँ पर एक चीज़ आपको समझनी है कि जो आलसी है वो विशेषण है, आलसी क्या है विशेषण है। अब देखो क्या नहीं है भाई, संख्या नहीं है डिलीट कर दो, ये भी संख्या नहीं है तो डिलीट कर दो। अब हमारे पास बचा परिमाणवाचक विशेषण, परिमाणवाचक प्रविशेषण। तो अब आपको थोड़ा बहुत कम ज़्यादा ये क्या परिमाण है, लेकिन जो आलसी है ना, जो बहुत है वो विशेषण का भी विशेषण है, समझ रहे हैं आप, आलसी क्या विशेषण है। अब आलसी का भी विशेषण है कितना, बहुत विशेषण है, तो उसे कहते हैं प्रविशेषण। तो आपका घ ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो गया है। अब हमारे पास भी अलंकार वाले आ गए हैं, तो अलंकार के ध्यान से समझो, अलंकार को आपको चार ऑप्शन देंगे। आपको एक पंक्ति दे रखी है, विपुल धन अनेकों रत्न हो साथ लाए, प्रियतम बता दो लाल मेरा कहाँ है। अब यहाँ पर जो लाल है उसके दो अर्थ हैं, है ना, तो लाल शब्द के क्या हैं, दो अर्थ हैं। एक तो प्रियतम मतलब अपने बेटे को कह रहे हैं कि लाल कहाँ है मेरा, और दूसरा एक लाल रत्न है, अनेकों रत्न जो लाल रत्न है, रेड जो है वो। तो यहाँ पर लाल शब्द एक है, अर्थ दो हैं, तो ऐसे में कौन सा अलंकार होगा भाई, श्लेष अलंकार होगा, जहाँ पर एक ही शब्द के अनेक अर्थ हों वहाँ पर श्लेष अलंकार होता है। आगे देखो, उस काल मारे क्रोध के तनु कांपने उनका लगा, मानो हवा के जोर से सोता हुआ सागर जगा। तो अब आप यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पर मानो शब्द आया, देखो यहाँ पर कुछ तो आपको ट्रिक से ही समझने होंगे, मानो शब्द आया है यहाँ पर, ये देखो। अब मानो कहाँ होता है, मनु मानो मन हो, जनु जानो जन हो, तो ये होता है आपका उत्प्रेक्ष अलंकार में, और यहाँ पर आपको इसे ट्रिक से ही समझना पड़ेगा। अगला देखते हैं, और अगला है आपके लिए, लोहरित धरा से झांक रही नीलम सी नीलम की कली तीसी नीली। अब धरती को, हरी भरी धरती को कहा कि वो झांक रही है, तो झांकने का काम कौन करता है भाई, इंसान करेगा, जिसमें जीवन होगा वो करेगा, लेकिन धरती में तो जीवन है नहीं, तो कौन सा अलंकार होगा, यस मानवीय कलन अलंकार है, क्योंकि इंसानों की तरह निर्जीव को दिखाया है।
जो जन भर तेही बदन पसारा, कपितनु कीन दुगुन विस्तारा। अब यहां पर क्या करेंगे आप, इतना बड़ा मुंह खोल दिया है कपि ने, इतना बड़ा जितना बड़ा मुंह खोला, शरीर बढ़ाया, जो जन भरते ही बदनु शरीर को बढ़ाया, कपितनु कीन दुगुन विस्तारा, और जो हनुमान जी हैं वो और बड़ा बड़ा अपना शरीर बनाते हैं। तो यहाँ पर जो है अतिशयोक्ति अलंकार है, दोनों शरीर को इतना बड़ा बना रहे हैं, तो यहाँ पर जो है बढ़ा चढ़ा करके वर्णन किया गया है, इसलिए अतिशयोक्ति अलंकार है। उसके बाद देखें, जुग सहस्त्र जोजन पर भानु, लीले होताई मधुर फल जानु। अब चार अवसर आपके लिए, श्लेष है, उत्प्रेक्षा है, मानवीयकरण है और अतिशयोक्ति है। तो अब आप मुझे कमेंट करके बताएंगे कि इस पांचवें प्रश्न का उत्तर क्या होगा, कौन सा ऑप्शन होगा और उसका रीजन क्या है, कमेंट सेक्शन में बताइए। मैं इसका आंसर आपको अगली प्रैक्टिस वाली वीडियो में, ग्रामर वाली और भी प्रैक्टिस की बहुत सारी वीडियोज मैं लेकर आऊँगा, ताकि आपकी प्रैक्टिस अच्छी से हो जाए। मुझे कमेंट्स, आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको बाकी सारे भी प्रैक्टिस टेस्ट मिल जाएंगे, तो कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर बताएं। बाकी वीडियो पसंद आता है तो इसे लाइक कीजिए, अपने सभी दोस्तों को शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। हमारे चैनल पर आपको हिंदी मीडियम में साइंस, मैथ, SST के वीडियोज मिल जाएंगी, सैंपल पेपर, तो उसकी तैयारी भी आप कर सकते हैं। अगली अपडेट के साथ वीडियो मिलते हैं, तब तक अपना ख्याल रखिए। जय हिंद।